हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल फैक्ट। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे हम, जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर वन, टॉलेस्ट ग्रास इन दी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा जो ग्रास होती है कितनी ज़्यादा ग्रो करती है, इवन उसकी ग्रोइंग को रोकना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। इवन वो मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। सो फ्रेंड्स, बम्बू ही है लार्जेस्ट ग्रास इन दी वर्ल्ड। हाँ फ्रेंड्स, इवन उसे ड्रैगन बम्बू भी बोला जाता है, इवन जीन्ट बम्बू भी बोला जाता है। और उसकी जो हाइट होती है 42 मीटर 137.9 फीट की होती है, और ये रिकॉर्डेड बनाया है अरुणाचल प्रदेश में। अगर फ्रेंड्स आप ये भी सोच रहे होंगे कि बम्बू कब से ग्रास होने लग गया है, सो फ्रेंड्स ये बात सही है कि बम्बू एक ग्रास है और ये 100% ट्रू है। सो फ्रेंड्स, मुझे बताइए ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। फैक्ट नंबर टू, लार्जेस्ट फ्रॉग इन दी वर्ल्ड। सो फ्रेंड, इसका नाम है गैमेरन गोलाइट फ्रॉग, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉग है। इवन उसकी ग्रोथ की बात किया जाए तो 12.5 इंचेस 32 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, और उसकी वेट की बात किया जाए तो 3.3 किलोग्राम्स का उसका वेट है। और वो इतना बड़ा होता है कि वो एक कैट हाउस होता है, वो उतना बड़ा होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है जो ये फ्रॉग होता है, ये नॉर्मली जब ये होता है तो इसका साइज़ इसका नॉर्मल फ्रॉग के जैसे ही होता है, लेकिन वो जितना अब अचानक से ग्रो करने लगता है धीरे धीरे, ये गोलाइट फ्रॉग है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि कुछ लोग फ्रॉग को खाते भी हैं। इवन गोलाइट फ्रॉग को सबसे बड़ा बिग मील माना जाता है इवन खाने के लिए। और फ्रेंड्स, लेकिन अभी ऐसा लॉ आ गया है कि इसको अब इसको कोई खा नहीं सकता। इवन यूनाइटेड स्टेट में इसका एक्सपोर्ट किया जाता था हर साल, इवन फ्रॉग जंपिंग कॉन्टेस्ट के लिए। फैक्ट नंबर थर्ड, सो फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ और उसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये जो सूप जो बना है ना, द फर्स्ट सूप वॉज मेड फ्रॉम हिप्पोपोटामस। यस फ्रेंड्स, मैंने भी सुन के शॉक हो गई थी कि हिप्पोपोटामस से पहला सूप बना था 6000 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट से। सोच लीजिए फ्रेंड कैसा होता होगा, कैसा स्वाद होता होगा उसका, मतलब टेस्ट कैसा होता होगा। उसको इवन बोलते हैं फ्रेंड्स कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ होती थी, पर अभी बना है। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। मुझे तो ये फैक्ट बहुत अच्छा लगा। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट में, फैक्ट नंबर फोर। सो फ्रेंड, कभी ना कभी अपने लाइफ में तो पॉपकॉर्न खाया ही होगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता है पॉपकॉर्न जो होता है उसमें इतना प्रोटीन होता है जो सीरियल्स गेम्स में उतना नहीं होता। उसमें इतना आयरन होता है जो एग्स हो गया, जो रोस्टेड बीफ होता है उससे भी ज़्यादा उसमें आयरन होता है। इवन उसमें हायर एंटीऑक्सीडेंट का लेवल भी उससे ज़्यादा होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल से। तो इसे पॉपकॉर्न को भी बहुत अच्छा स्नैक बोला गया है। सो ये इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। फैक्ट नंबर फिफ्थ, हॉटेस्ट चिली इन दी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आपको पिक देखे तो पता चल ही गया होगा कि हम कितनी मिर्ची की बात कर रहे हैं, जो एकदम सबसे हॉटेस्ट चिली है। सो फ्रेंड्स, उसका नाम है कैरोलिना रिपर, इज दिस स्टिल द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। इवन 2020 में भी इसको सबसे हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड का टैग मिला है। सो सोच लो कितनी मिर्ची रहती होगी फ्रेंड्स। इवन इसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसको आप पूरा यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कितनी लाल है, तो सोचो इसका कितनी मिर्ची होती होगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो इंटरेस्टेड हो, जिन्हें वीडियो अच्छी लगती है ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है, मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर मिस्टेक हुई होगी तो मुझे वो भी बताइए। सो आज के लिए इतना ही। सो हम मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।